आप सब बात कर सकते हैं वजीर आजम पाकिस्तान से 0519224900 इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, आप भी कॉल कर सकते हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, बल्कि मरियम अगर चाहें वो भी, बिलावल चाहें वो भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सर आज फखर से बुलंद हो गया। आपने कौम को ये बता दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो शेर होते हैं, वो शेर शेर होता है। मुझे बहुत फखर है आप पे, शाबाश। और मैं टीवी पे जब ये मनाजिर देख रही थी तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई। यकीन करें मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, जब कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। क्योंकि आपके दिन गिने हुए हैं, ये जो सिक्योरिटी के हिसार में आप आते जाते हैं, ये सिक्योरिटी भी आपसे अब वापस ले ली जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप इस सिक्योरिटी के बगैर जरा अवाम में निकल के देखिए। 22 करोड़ अवाम हाथ में जूता लिए आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है, और कईयों ने तो हील्स के साथ जूते पहने हुए हैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जी जी, एक वोट चोर, आटा चोर, बिजली चोर, गैस चोर, चीनी चोर, जी जी, तुम्हारी चोरी की दास्तानें जब खुलेंगी, जब मीडिया कुछ आजाद हो गया है, जब अपनी गुलामी की या दबाव की या खौफ की जंजीरें तोड़ेगा, जो कि तोड़ना शुरू हो गए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं ये समझती हूँ कि अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और बड़ी अच्छी बात है कि अवाम के अंदर एक अवेयरनेस आ गई है, जिसमें अब आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अब वो दौर गया जब आप जुल्म भी करते थे, ज्यादती भी करते थे, धौंस और धांधली भी चलाते थे और दीवार के पीछे छुप भी जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चंद दिन तुमको मोहलत के तौर पे मिल गए हैं, अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज छोड़ के मत जाना। और जब ये धुंध छटेगी तो तुम्हारी चोरी की जो दास्तानें अवाम के सामने आएंगी, तुम्हारी एटीएम्स की जो दास्तानें अवाम के सामने आएंगी, मैं यकीन से कहती हूँ कि 73 साल में इतना बड़ा चोर पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होगा। बड़े गौर से मेरी आपने बात सुनी। ये जो करप्शन है ना, ये एक ऐसी कैंसर है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं फैली हुई, ये हर गरीब मुल्क जो दुनिया का है उसकी बुनियादी करप्शन है। करप्शन एक ऐसी चीज है जो एक अमीर मुल्क को तबाह कर देती है, एक दीमक की तरह फैल जाती है। तो दो किस्म की करप्शन है, एक है हुक्मरान की करप्शन जो एक मुल्क को तबाह करती है, मुल्क को मकरूज कर देती है। ये सारे गरीब मुल्कों की कहानी है, पैसा चोरी करो, इक्तदार में आओ, प्राइम मिनिस्टर बनो, वजीर बनो, पैसा चोरी करो, क्योंकि वो आप पैसा मुल्क में नहीं रख सकते। अगर मैं पटवारी हूं, मैं थानेदार हूं, मैं सरकारी नौकर हूं, तो चले मैं 1 करोड़ 2 रुपए 2 करोड़ की करप्शन कर लूंगा, 10 की कर लूंगा, वो मैं अपने घर के नीचे खोद के तो नीचे छुपा दूंगा। लेकिन जब मैं 1 अरब रुपए की करप्शन करूंगा तो वो तो मेरी घर में नहीं ना आने लगी, तो वो फिर मैं हवाला हुंडी से मुल्क से बाहर भेजता हूं, दुगना नुकसान करता हूं। पहले मैं चोरी में 1 अरब रुपए की, फिर जब मैं, क्योंकि वो मुल्क में नहीं छुप सकती, मैं जब मुल्क से बाहर भेजता हूं, ऑफशोर अकाउंट्स में भेजता हूं, लंदन में महंगे महंगे इलाकों में बड़े बड़े महल खरीदता हूं, तो मुल्क को असल में नुकसान मेरी तरह का जब प्राइम मिनिस्टर चोरी शुरू करता है तो असल तबाही मुल्क की तब आती है। ये जो ऑफशोर टैक्स, जो टैक्स हेवंस हैं जिधर ये पैसा छुपाया जाता है कंपनीज के नाम पे, और फिर ये जो बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड हमारी तरह के मुल्कों का 7,000 अरब डॉलर पड़ा हुआ है बाहर। और हम अब, मैं वो पाकिस्तानी लीडर हूं जो चंद उन मुल्कों में से हैं जो पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमारे मुल्कों का पैसा वापस करें, और वो जो ताकतवर मुल्क हैं वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। जब हमारे से यहां हजार अरब डॉलर जब गरीब मुल्कों से वहां जाता है तो नौकरियां उधर होती हैं, खुशहाली उधर होती है, तबाही इधर आ जाती है, गुर्बत इधर आ जाती है। ये सबसे बड़ा मसला है करप्शन का।
अब मैं जो आपको आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है, क्योंकि कौम के ऊपर नुकसान होता है, कौम गरीब हो जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, तो सारी कौम मिलकर करप्शन का मुकाबला करती है। अब मैं इमरान खान हर रोज करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए सुन के जी कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा, लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। अब कई आपके सामने हैं कि वो जजेस ने उठ के पता चला एक कन्विक्टेड आदमी को, हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। अगर इसके अंदर नैब ने सही केसेस बनाने होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। यहां बड़े बड़े करप्ट लोगों को, उनको ऐसे शादियों पे बुलाया जाता है जैसे कोई वीआईपी जा रहे हैं, सारे लोग उनको ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि वो उन्होंने पता नहीं कश्मीर फतह कर लिया। लोग उनको जब बुरा ही नहीं समझेंगे तो क्या आपका ख्याल है कानून बनाने से करप्शन खत्म हो जाती है? क्यों पटवारी नहीं करप्शन करेगा, क्यों नहीं कोई और रिश्वत लेगा, जब माशरे में वो देख रहे हैं कि ऊपर बड़े बड़े करप्ट लोगों को वो जेल से नैब से निकल रहे हैं, उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं जिस उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये जो आजकल जंग लड़ी जा रही है रूल ऑफ लॉ की, कानून की बालादस्ती की जंग है। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम कानून के ऊपर हैं, हमें जरूरत कैसे हुई पाकिस्तान के कानून की कि हमारे ऊपर हाथ डालो। वो जाके मुजाहरे कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जिसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है, इमरान खान का क्या कसूर कि जी एनआरओ नहीं दे रहा इनके जो पहले हमेशा इनसे होता रहा है, जो जिसकी वजह से आज ये मुल्क नीचे गिरा हुआ है। हमेशा इन लोगों के लिए एक कानून और आम बेचारे गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून। तो ये जो पाकिस्तान में आज जंग चल रही है ये कानून की बालादस्ती की जंग है। एक छोटा सा तबका जिसको आदत पड़ी हुई है खून चूस के, पैसे बना के, गुर्बत पैदा करके, वो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारी तरह के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर कि सबको कानून के नीचे लाया जाए। ये आपको समझने की चीजें हैं कि ये जंग सारी कौम लड़ती है, अकेला इमरान खान ये जंग नहीं जीत सकता, हम सब ने मिलकर फैसला करना है। तो ऊपर से करप्शन के ऊपर हाथ डाला जाता है, नीचे बाग के फिर पटवारी वो सब खुद ही ठीक हो जाते हैं। आपने कहा ना जी कीमत बढ़ गई है, मुझे ये कि जी करप्शन की कीमत बढ़ गई, करप्शन की कीमत कैसे नहीं बढ़ेगी जब वो सारा देख रहे हैं नीचे के जी हमारे तो हालात वैसे मुश्किल है महंगाई में, तो ऊपर जो अरबों रुपए की चोरी करके बैठे उनके ऊपर लोग फूल फेंक रहे हैं।